तो हमने जी स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू कर दी अब बीच में, में मेरा खाने का ब्रेक आया रात का टाइम था दस साढ़े दस का मैंने कहा अच्छा मैं खाना खा रही हूं। आप साथ, साथ <laughs> डायलॉग था ना वो नहीं हुआ मैं नहीं ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हुआ या उर्दू पढ़ नहीं पाते माशाल्लाह से इनकी उर्दू बहुत अच्छी है मुझे वक्त लगता है Uh, मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे सुपर सू, स्टार ऑफर हुई थी तो मैं रोमन में स्क्रिप्ट मंगाई अच्छा मैंने रोमन पढ़ के अपने नोट्स शोट बना के सब कुछ किया तो शाम मैंने आज वो डस्टबिन में डाल दी मैं कहता ये मैं कैसे करूंगा <laughs> फिर उन्होंने उर्दू की स्क्रिप्ट मंगाई और उन्होंने कहा कि नहीं इसको पढ़ना है विच इज ग्रेट बिकॉज उर्दू आई कैन मुझे टाइम ज्यादा लगता है

बट नहीं बिकॉज़ मेरा तो जो उर्दू है वो थोड़ा नहीं शायद मैं अमेरिकन स्कूल में होता है ना यार अमेरिकन स्कूल के बच्चे हैं आप नहीं ब्रिटिश सिस्टम सॉरी ब्रिटिश ऑलराइट अह मैं आपको बताऊं कि वो तो ब्रिटिश एक्सेंट निकल रहा था हां अच्छा ये वेरी इंटरेस्टिंग बात है तो व्हाई डिड यू ग्रो अप इन लंदन और यूके

एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा हाँ ठीक है अगर वो मेरा भाई है तो तुम भी मेरी बीवी <laughs> हेलो मैं ही हूँ ठीक है और मैं ना ऐसे ऐसे वही मैं इशारे कर रही हूँ तुम क्या कर रही हो मैंने सही तो बोला मैं कहा बिलाल गलत लाइन है गलत बोली थी मैंने बेटी को बोटा चला गया, गया। बेटी को बोटा हो जाता है पाटान पाटान भी आ जाता है पाटान मैं आपको पता उसमें हुआ क्या कि मेरा सब मजाक उड़ाते थे अब सब गलत सब कोई वो, को, हर किसी की बोटी बेटी और बेटा आना था बोटी और बेटा वर्ड था ठीक है बोटी अच्छा, और बेटा था बेटे को का? बोटी खिलाओ कुछ नहीं, नहीं कुछ इस तरह का वर्ड था रेस्टोरेंट में तो उन्होंने कहा बोटा बोटा

तो मैं कह रहा था जब आपने पच्चीस चौबीस एपिसोड पढ़ी आपने जब सुनी चौबीस या बीस पढ़ी भी। भी बाकी पढ़ लिया ड्रैग तो नहीं हुआ माया मैंने आगे से कहा नहीं जो मैं इनको बोलती हूँ ना दिन जाके बहुत अच्छा ड्रैग नहीं हुआ क्या मेरी लाइन तो तो आप दोनों को इंडिविजुअली क्या स्क्रिप्ट की यूएसपी क्या लगी

उट ऑफ uh, uh, exactly. uh, बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ तो कभी कोई कहानी बनी एक्टर है है कि कि की सिर्फ आके ना ये डांस करना या एक्टिंग hmm. करना नहीं होता तो और बड़े उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हम लोग नहीं महसूस करते hmm. और अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि सब कुछ पैसा भी नहीं होता होता है बट सब कुछ नहीं होता तो जब ये कहानी आई थी ना तो इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे दिल को लगी थी जो शायद हर घर की एक लड़की एक बीवी एक माँ को फेस करनी पड़ती हैं हम लोग ना बचपन से एक बेटी में ये डालने लग जाते हैं कि तुम लड़की हो तुम बेटी हो तुमने काम नहीं करना तुम बाहर नहीं जाओगी ये गलत है लड़का अगर गर्लफ्रेंड बना ले

इस पे बहुत लाउड चीजें नहीं बोली गई बड़े प्यार से आपने एजुकेट किया बड़े तरीके से और जो कल्चर डिफरेंस सिखाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा कि अच्छा तो मैं तो सच बोलती हूँ सच बोलना तो आसान काम है जो कि हम लोग शायद उसको मुश्किल बना देते हैं हम एक औरत को आजादी नहीं देते हम कहते हैं ये गलत है ये अगर किसी को डिवोर्स हो गई है तो उसको वैसे मार दो लेकिन आप कभी किसी बेटी को ये नहीं कहते कि बेटा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं तुम पे कोई हाथ उठाए तो यहाँ आ जाना हम कहते हैं तुम्हें मार दे जनाजा उठाएगा तुम्हारा ये जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना और ये कभी रातों रात नहीं होगा हसन ये इसी तरह से प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे बताते अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सज्जल और बिलाव कुछ अन कुछ कही मैंने उसको फॉलो किया है क्या खूबसूरत बात बाप अपनी बेटियों के लिए उस पर चल रहा है इवन जो बाकी के लोग कर रहे हैं कि बेटा होना या ना होना इतना जरूरी नहीं कि बेटियाँ है इतनी हैं उनको तो बनाओ उन पर तो मतलब वो आप करवा पढ़ाई करवा देते हो मास्टर्स करवा देते हो बड़े फखर से बताते हो मेरी बेटी जो है वो मास्टर्स कर रही है बीबीए कर रही है आगे क्या करना आगे इसके रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी करनी है ये क्या बात हुई आपने जिंदगी के इतने साल लगा दिए कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नहीं करना

मैंने उनको कॉल किया मैं उनका अम्मा अपने टीजर देखा कहती मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब जो लड़कियों को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता तो तुम्हें ये तुमने ये काम किया है तो मुझे इतना अच्छा लगा मुझे खुशी हुई कि अगर मेरी माँ ये बात कर रही हूँ तो बड़ी माँ ये बात करेंगी